मैं इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह 11th NDRF वाराणसी से आया हुआ हूं। यहां पे जैसे कि सूचना मिली है कि वर्णा नदी में जल स्तर बढ़ा जा रहा है और यहां के लोकल प्रशासन द्वारा हमें हमारे हेडक्वार्टर पे सूचना मिला है कि वहां के तटीय इलाकों में पानी आ रहा है, जिससे कि वहां आसपास में बने हुए घरों में पानी भरा जा रहा है और वहां पे फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए हमारी टीम शास्त्री घाट पे आई हुई है और हम यहाँ पे अपनी छः बोटों को तैयारी हालत में ले जाने के लिए तैयार हैं और वहाँ से फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करेंगे। सर, आप लोग की तरफ से कोई कंट्रोल रूम का भी नंबर भी जारी किया गया है, जैसे जो भी बाढ़ में व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसके द्वारा आप लोग सूचित मिलती है और वहाँ पर कितने देरों में पहुँच जाते हैं? ये हमारी फ्लड और रेस्क्यू टीम जो है 20 मिनट में लगभग वहाँ पे जहाँ पे ऐसा कोई ट्रैप पर्सन मिलता है उसको इवैक्यूएट करने के लिए पहुँच जाती है। बोट में सुविधाएं क्या क्या रहती है? बोट में सुविधाएं पूरी प्रकाशन बरती आती है, जिसमें कि बीपी जैकेट और लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय दोनों कुछ रहता है और इसमें डीप ड्राइवर भी होता है। सर, अपना डीप ड्राइविंग का जो होता है, जैसे कि कोई पर्सन डूब जाता है उसकी सर्च करने के लिए तुरंत डीप ड्राइवर की भी व्यवस्था की जाती है, इसमें साथ में चलता है हमारे ऐसी कोई घटना होने पे। बोट पे सर बात किया, कितने जवान लगे? एक बोट में 8 पर्सन आ सकते हैं, लेकिन हम अभी अपने बोट पे 3 अपना रेस्क्यूअर बैठाते हैं, बाकी सिविल पर्सन बैठेंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। 5 सिविल पर्सन को बैठा सकते हैं, टोटल 8 लोग इसमें सफर कर सकते हैं स्मूथली। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।